नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क टीम वॉरियर इंडिया के अंदर दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे Atomy की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जैसा कि Atomy की मोबाइल एप्लीकेशन तीन अगस्त को लॉन्च हो चुकी है और चार अगस्त से Atomy की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप एटोमी इंडिया के मेम्बर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओके तो एटोमी में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स हैं एटोमी इंडिया की जो एप्लीकेशन है उसमें आप इंडिया के मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं और डेफिनेटली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी इजी बना दिया है एटोमी ने ओके okay? और जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर पाओगे वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चीज़ एटोमी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी कंट्रीज़ की वेबसाइट्स पर आप जा सकते हैं यहाँ पर ओके लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं और Atomi की मोबाइल एप्लीकेशन का क्या यूज़ है किस प्रकार से इसके डिफरेंट्स जो आइकॉन्स है उसके ऊपर क्लिक करके अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ओके और एटोमी की मोबाइल एप्लीकेशन से आप एटोमी इंडिया में इंडियन मेंबर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं और ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो गई यहाँ पर ओके तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों में स्टेप बाई स्टेप तो सबसे पहले आप जो एटोमी मोबाइल कि जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए आप आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन डाउनलोड के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है तो आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे नए मेंबर्स हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हो तो रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको एटोमी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एटोमी इंडिया एटोमी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप का जो नंबर है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको और आपकी पूरी टीम को एटोमी टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट रहेगा और टीम वॉरियर की जो टीम है एक बहुत ही प्रोफेशनल विजनरी टीम है और हमारे पास स्किल लीडर्स हैं तो आप ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा और चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे करना है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन है उसको ओपन के करना पड़ेगा जैसे आप ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा और कुछ अलग अलग आएगा तो इस पर आपको यहाँ पर क्लोज करना है ओके तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा आपको और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर देख रहे हैं यू एस एट एटोमिन डॉट के आर तो ये दूसरे कंट्री की से यानी कि हम यू बोल सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश रिफ्लेक्ट हो रही है तो यू का इसमें सेलेक्ट कर रखा है मैंने और कंपनसेशन प्लान सेमिनार एंड एजुकेशन चैनल डॉ एटोमी ये सारी चीज़ें आप एक एक आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है सी एच डॉट एटोमी के ऊपर क्लिक कीजिए इंग्लिश के यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे एटोमी को जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ओके नेक्स्ट एजुकेशन सेमिनार के बारे में यहाँ पे लेटेस्ट इफॉर्मेशन है और लेफ्ट साइड पर कंपनसेशन प्लान ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर लॉग इन और ज्वाइनर्स का बटन किया गया है ठीक है और लेफ्ट साइड पर जो थ्री लाइंस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल थ्री लाइंस लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर तो इस पर क्लिक कीजिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर ऊपर ज्वाइनस और लॉग इन है और फिर होम का पेज है फिर अबाउट एटोमी शॉपिंग मॉल माय ऑफिस सपोर्ट एटोमी फैमिली नीचे चैनल एटोमी और राइट साइड पे एटोमिक टिकट है ये दो अपलीकेशन हो रहे हैं इसकी ओके तो इनके ऊपर भी आप अलग अलग अपलीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं चैनल एटोमी के ऊपर एटोमी के जितने भी वीडियोज़ हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी ग्लोबल वीडियोज़ और वो आप वीडियो देखिए तो आपके नॉलेज भी यहाँ पर बढ़ेगी हंड्रेड और एटोमिक टिकट्स आप जनरेट कर सकते हैं मीटिंग्स के लिए तो सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे ऊपर जा कर के सेटिंग्स के ऊपर ये राइट टॉप कॉर्नर पे देखिए क्रॉस का जो निशान है एक गोला बना हुआ है यहाँ पे ठीक है टॉप स्क्रीन के बीच में राइट right साइड में क्रॉस है उसके जस्ट लेफ्ट में ये सेटिंग का है इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन तो मैंने यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंग्लिश में देखना है सब कुछ ओके okay? तो यू एस सिलेक्शन कर रखा है और मैंने कोरिया सिलेक्शन नहीं कर रखा है यहाँ पे क्योंकि मेरे को कोरियन लैंग्वेज आती नहीं और मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज देखूँगा अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिए यू के ऊपर तो जैसे यू एस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया का ऑप्शन दिखेगा ये जितने कंट्री हैं कोरिया ताइवान यू सिंगापुर फिलीपींस मलेशिया कनाडा जापान थाईलैंड मेक्सिको ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया कम्बोडिया रशिया इंडिया तो लास्ट में इंडिया का ऑप्शन है जिस कंट्री के ऊपर आप क्लिक करोगे उस कंट्री की लैंग्वेज और उस कंट्री की वेबसाइट पर आपको यह डायरेक्ट करेगी ओके तो लास्ट में इंडिया है तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है ओके okay, जैसे आप इंडिया पे क्लिक करोगे प्लीज़ रिस्टार्ट द एप्लीकेशन टू अप्लाई द सेटिंग डू यू वांट टू रिस्टार्ट तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे ओके okay करना है आपको जैसे आप ओके okay करोगे अगेन आपको रिस्टार्ट करनी पड़ेगी अब दोबारा से आपको ओपन पे जाना है और इस प्रकार की स्क्रीन आपकी दिखाई देगी आपको ठीक है ऑटोमेटिक चलता रहेगा जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो ये इंडियन वर्जन में आ गई है देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है गुड़गावा ऑफिस का एटोमी का जो ऑफिस है इंडिया के अंदर एक ही ऑफिस है अभी गुड़गांव के अंदर और गुरुग्राम का जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर का नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ओके ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे और जैसे आप कंपेसेशन प्लान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कम्पनसेशन प्लान चेक कर सकते हैं एटोमी इंडिया का आई में होगा डेफिनेटली ओके इस प्रकार से ये कम्पेशन प्लान है ऊपर डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट्स से, हैं कोड ऑफ एथिक्स है ओके फिर और करोगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है फिर कंपनसेशन प्लान है तो ये कंपनसेशन प्लान पे हम क्लिक करेंगे तो कंपनसेशन प्लान के बारे में ये यहाँ पे दिखाया गया है सारी चीज़ें तो आपको ये पढ़नी है ओके फिर एटोमी सेमिनार्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉमेशन है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कंपनसेशन प्लान पर जाइए फिर जनरल कमीशन के ऊपर क्लिक करोगे तो जनरल कमीशन के बारे में यहाँ पे दिख, दिखाई देगा आपको फिर मास्टरशिप बोनस दिखाई देगा यहाँ पे आपको ओके मास्टरशिप बोनस की सारी चीज़ें यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं वो आप देख सकते हैं फिर लास्ट में एजुकेशन सेंटर का है फिर नेक्स्ट देख स्क्रॉल कीजिए अब ओके ये ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम ऑफ प्रमोशन ट्रम्स ऑफ प्रमोशंस का ये आपको पढ़ना है यहाँ पे ए टू जेड चीज़ पढ़ने छोड़ना नहीं कोई भी ओके तो सारी चीज़ें आप रीड आउट कीजिए ताकि आपको यहाँ पे नॉलेज हो और आप जब मास्टरशिप बोनस मिलेंगे तो प्रमोशन्स में क्या क्या मिलेगा आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो आई है आई का मतलब इंडियन रुपीज ओके तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंडिया की वेबसाइट है और ये इंडिया की एप्लीकेशन के ऊपर आप जा चुके हो ओके टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है अभी मैं वापस चलूँगा वहाँ पे इसको क्लोज करूँगा बिज़नेस को तो यहाँ पे आ गए हम अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो थ्री है लाइन्स है उस पर हमने क्लिक किया होम कंपनी बिजनेस शेस डोटाटोमी इसके ऊपर आप एक एक क्लिक करके चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ओके चेक करना है आपको नेक्स्ट लॉगिन के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है राइट साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे तो लॉगिन है ओके तो उस लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका जो ए नंबर है वो यहाँ पे डालना है एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अगर आपकी आईडी वेरीफाई हो चुकी है केवाईसी कंप्लीट आपकी हो चुकी है तो ही आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट में लॉगिन कर पाएंगे अगर आपने अभी नया रजिस्ट्रेशन किया है और आपकी आई वेरीफाई नहीं हुई है तो आप यहाँ पर एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आप अपने अपलाइन से बात कीजिए आपकी आई वेरीफाई हुई है या नहीं है वो आपको बताएंगे जो पुराने मेम्बर्स हैं जिनकी के वाई हो चुकी है तो वो यहां पे आसानी से लॉगिन कर पाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं की है तो उनके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा वो फ्रेंड्स यहां पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे ऑटोमे के अंदर क्योंकि विदाउट के आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो वो डायरेक्ट आपको के वाई सी के पेज के ऊपर लेकर के जाएगा फिर आपको के वाई सी कंप्लीट करनी पड़ेगी एक वीक या हफ्ते दस दिन जो भी एटोमी टाइम लगी, आपकी के वाई सी कम्प्लीट करने के पश्चात आप अपनी वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं और आप अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं ओके ये प्रोसेस है तो इसको आप फॉलो कीजिए जिस मेंबर की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है वो ही यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा और जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है वो अगर लॉगिन करते हैं तो डायरेक्ट एटोमी उसको केवाईसी के पेज पर लेकर के जाएगी वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी केवाईसी का प्रोसेस है उसके बाद वेट कीजिए सात से दस दिन एटोमी इंडिया की तरफ से मैसेज आएगा आपको एटोमी इंडिया की ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में कि इतने तारीख तक की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तब आप इस वेबसाइट इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके आप अपनी टीम देख पाएंगे और आप अपनी टीम इसमें अभी नहीं दिखाई देगी आपको ठीक है टीम स्ट्रक्चर यूएसए की वेबसाइट पे और कोरिया की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं एटोमी इंडिया की जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है यहां पे अभी टीम स्ट्रक्चर अभी दिया नहीं है क्योंकि डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा है जैसे कंप्लीट होगा तो आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर भी टीम स्ट्रक्चर देख पाओगे बाई द टाइम आप यूएसए की वेबसाइट या कोरिया की वेबसाइट पर टीम स्ट्रक्चर देख करके आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अभी नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि एटोमी की जो एप्लीकेशंस है इसमें एटोमी इंडिया का किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मेंबर्स का देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ओके okay?